सो आई एम प्रोफेसर डॉक्टर बेगुप्ता वंस अगेन इन अपोलो हॉस्पिटल। अभी आपसे एक केस के बारे में चर्चा करी थी जिसको दो बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ, एक बार वैक्सीन के बाद, एक बार हार्ट अटैक के बाद, दोनों बार कोरोना पेशेंट थे ये। अब ऐसे केस में जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बार बार होता है, मैं टीम, मेरे साथ में ललित एंड मैडम डॉक्टर स्वाति सिंह जो कि पोस्ट डीएम कार्डियोलॉजी हैं बट शी इज वर्किंग एज सीनियर कंसल्टेंट, सो वी वर्क एज अ टीम and therefore sometimes we have to really find out the reason why what best can be done and why this patient is having. ab is patient ko maine discuss kiya tha pehle inke 2012 mein stent lagaya tha, fir 2021 mein lagaya jo corona hua, aur kal inko by chance vaccine lagane ke 2 ghante baad hi fir se complete heart block hua. aaj angiography kari to angiography normal aayi hai. ab angiography normal hai iska matlab stent theek kaam kar rahe hain, to iske bawajood isko complete heart block hua hai. तो हमने और डॉक्टर स्वाति ने मिलकर सोचा कि क्या जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट के अंदर, दो सिस्टम होते हैं, एक प्लम्बरिंग सिस्टम जिसमें कि नसें होती हैं जो कि दिल का दौरा देता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है. तो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम की स्टडी करी हमने, और तो उसमें हमने दो तरह के तार डाले, और दिस इज नोन एज HVEP स्टडी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी. ये दो जो तार गए हैं ये टेम्परेरी पेसमेकर लगा हुआ है, और अभी हमने एंजियोग्राफी दिखाया था कि नॉर्मल है. तो किसी को अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडक्शन ब्लॉकेजेस हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से कुछ डिजीज है, तो ऐसे केस को हार्ट अटैक के बाद या किसी और ट्रिगरिंग फैक्टर के बाद फिर से हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. तो अभी आपको जैसे दिखाया मैंने कि इसमें दिखाओ जरा, इनका इंटरवल दिखाना वाला, इंटरवल वाला फोटो लिया आपने. अब ये देखिए पिक्चर, इसके अंदर हमने नापा HV इंटरवल कितना आया इसमें, 112 मिली सेकेंड, विच इज वेरी हाई, यानी कि इसका कंडक्शन वीक है. और दूसरा एक बार नापा था 96 वाला, तो दो बार नापा, एक बार 112 आया, एक बार 96 आया. और इस तरह से हमने HV स्टडी करी, और ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी का पार्ट है ये, जिसमें हार्ट के कंडक्शन सिस्टम चेक करते हैं. तो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम में वीकनेस आई है, इसके अपर लिमिट 55 होती है, 70 तक हम लोग मानते हैं नॉर्मल, 112 है. इसका क्या मतलब हुआ, इसका इम्प्लीकेशन है कि ऐसे केसेस में परमानेंट पेसमेकर लगाएंगे तो यूजफुल रहेगा, यानी कि बिकम्स इंडिकेशन फॉर परमानेंट पेसमेकर. तो ये इस तरह के तार से हम लोग करते हैं जो कि वायर्स होती हैं, दिस इज द वे वी डू इट. और एक मिनट फिर से तुम कंप्लीट द स्टडी, तो फिर से इनकी एंजियोग्राफी दिखा दो जरा मुझे. तो अभी देखिए हार्ट के अंदर दो सिस्टम होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम जिसकी वजह से हार्ट चलता है, दूसरा होता है ब्लड सप्लाई, उसको प्लम्बरिंग कह सकते हैं लेकिन ब्लड सप्लाई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. तो इनकी ब्लड सप्लाई तो ठीक है, अभी हमने एंजियोग्राफी चेक किया, दोनों स्टेंट काम कर रहे हैं. दिखाओ जरा, तो दोनों स्टेंट हाथ से दिखाओ उंगली से, ये दो स्टेंट, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, यानी कि नस की सप्लाई मेंटेन है. लेकिन कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर होगा, डॉक्टर स्वाति विल एग्री, एंड इन फैक्ट शी वॉज द फर्स्ट वन टू डिसाइड एंड एडवाइज कि क्या इनका EP स्टडी करें. तो अगर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि घर के अंदर जो तार, बिजली के तार होते हैं ना, तो वीक हो जाते हैं, तो कई बार बिजली चली जाती है, हिलाते हैं फिर ठीक हो जाती है. तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद हिम इन हिज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम विच इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, जो कि हिज बंडल होता है, कंडक्शन सिस्टम होता है साइनस नोड के बाद, देन इट गोज टू हिज बंडल एंड देन इट गोज इन टू द वेंट्रिकल्स, उसमें कहीं वीकनेस आ गई है. वीकनेस मतलब द सिस्टम हैज बिकम डीजनरेटिव वीकनेस कह सकते हैं, और इट कैन बी रिलेटेड टू हार्ट अटैक ऑल्सो. दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द इनफ्यूबल MI विच हैज गॉट वीकनिंग ऑफ दिस. तो नॉर्मली हार्ट अटैक के बाद जो पेसमेकर टेम्परेरी लगता है उसमें हमको परमानेंट पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है इन नॉर्मल केसेस. लेकिन इनको दो बार ऐसा हुआ कि पहले हार्ट अटैक हुआ तब भी पेसमेकर लगा, और दूसरा अभी वैक्सीन लगा उसके बाद भी कुछ भी ट्रिगरिंग फैक्टर हुआ, थोड़ा पोजिशन भी बढ़ा था इनका, फिर हार्ट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ. तो ऐसे केस में इट इज एडवाइजेबल टू पुट ए परमानेंट पेसमेकर, सो दैट अगर अगली बार हो, भाई यू कैन नॉट बी लकी ऑल द टाइम, ही वाज लकी दैट ही केम इन द हॉस्पिटल राइट टाइम, हमने फटाफट CPR किया और पेसमेकर डाल दिया, बट समटाइम ही कैन बी अनलकी एंड द पेशेंट कैन लूज लाइफ. तो एज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी विद ए हाई HV इंटरवल वी शुड डू अ परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, एंड देयरफॉर आई विल एडवाइज नाउ along with Dr. Swati Singh, जो हमारे जूनियर कंसल्टेंट हैं, दे आर वेरी गुड टीम मेंबर्स, टू गो फॉर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन. थैंक यू वेरी मच, दिस इज अ लर्निंग.
एवरी केस इज ए लर्निंग. देखिए डॉक्टर्स कीप ऑन लर्निंग एवरी टाइम. जैसे पॉलिटिशियन सीखते रहते हैं. अपने प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जब भी मैं भाषण देता हूँ उसके बाद एक नई सीख लेके जाता हूँ. इस तरह एवरी पेशेंट इज अ टीचर फॉर अस. एवरीबडी नोज एवरी पेशेंट इज अ टीचर बिकॉज वी हैव टू कीप लर्निंग विद आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज. तो ये सीख है कि जब पेशेंट को बार बार कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करके. इनका बेटा बड़ा चिंतित था. उन्होंने कहा डॉक्टर पूरी तरह चेक कर लो कि आगे दिक्कत ना हो. वी हैव डन द फुल स्टडी नाउ. अब दो दिन बाद आपका परमानेंट पेसमेकर लगेगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम प्रोफेसर डॉक्टर बेगुप्ता ऑन 14th of March ऑन संडे. देखिए सर डॉक्टर संडे को भी काम कर रहे हैं 4:30 PM शाम को अलॉन्ग विद डॉक्टर स्वाति सिंह ऑन 14th March. थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. प्रोफेसर डॉक्टर बेगुप्ता फ्रॉम इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली. थैंक यू. बाय बाय.